गाइस अभी हम ये गेहूँ जो है इसको भूनने वाले हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं हिंदी में मुझे पता नहीं है, लेकिन बहुत मस्त लगता है खाने में, ठीक है। तो ये देख सकते हो अभी चना भून चुका है, उसमें गेहूँ डालेंगे, दूसरा कचरा है, पहले इनको खा लेंगे। अभी आ चुकी है हमारी चाय टेरिस पर, तो चाय और बिस्किट खाते हैं। बिस्किट नहीं गाइस, ब्रेड है, ब्रेड ये वाला ब्रेड। वीडियो अपलोडिंग के लिए डाला हुआ है। तो गाइस ये है अतुल जनार्दन पवार, पूरा नाम बताने की जरूरत नहीं है, मेरा साला है, देख सकते हो। नीचे झुकना थोड़ा, कैसा लग रहा है? सलमान खान तो फेल है इसके सामने, शाहरुख खान भी फेल है। बस कर समझ गया, एक बार में समझ जाता है। टैलेंटेड बंदा है, दिखने में भी स्मार्ट है, ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ दिखने में अच्छा है और बाकी माल मसाला कुछ नहीं है, सब कुछ है इसके अंदर, ठीक है। तो बहुत मस्ती करते हैं हम, कभी देखोगे आप हम दोनों की मस्ती। अभी झगड़ा किया है लेकिन कैमरे में नहीं दिखाया, ठीक है, और एक मिनट में बात करने लगे। और ये हमारा छोड़ा, छोड़ा। बोलो हैकर। इसको तो पहचानते होंगे आप, इसके बहुत सारे वीडियो है। तो खाने में है ये चीज है, देखो ये हमारा वीर कैसे खा रहा है, नाम तो वीर है। देखते हैं कैसा निकलता है गाइस, कुछ इस तरह का टर्बो निकला है, उसके बाद खाते हैं, ठीक है। कैसा है गाइस, देख सकते हो कितना बढ़िया काटा है मैंने इसे, आजू बाजू का तो खा लिया है, अभी इसे भी खाएंगे, ठीक है। तो हमारी गुनगुन की थोड़ी तबीयत खराब है, क्या हुआ है उसे? तो मम्मी के पास चलते हैं, यहाँ पर मन नहीं लग रहा तुम्हारा। देखो अक्षय कुमार स्टाइल मार रहा है। हेलो, वीर नहीं दिखाई दे रहा। बेबी, हाय बेबी। क्या हुआ है, क्या हुआ है, तबीयत खराब है? अरे चल, ये है हमारी भतीजी। नहीं रोते रोते, इधर कैमरा, कैमरा में देखो, कैमरा ने उसे चॉकलेट चाहिए खाने के लिए। सर हाय, कतो पोदो ऐसे लग रहे हैं, चीखने चीखने दोनों पौधे छोड़ के। पौधा तो वो तो क्या मैंने, चलो अभी खेत में जाना है, हमें खेत में जाना है, खेत में चलो चलो। गाइस अभी हम जा रहे हैं खेत में, देख सकते हो खेत का नज़ारा, तो अभी पहुंचे नहीं है, दूसरों के खेत से गुजर रहे हैं, ठीक है। खेत में खाने जा रहे हैं चना, चना चना खाना है आज, रोस्टेड चना भून कर आग के ऊपर, लकड़ियों के ऊपर। इतना बढ़िया नज़ारा है, देख सकते हो हरा भरा। ये पीछे गेहूं है और ये मेरा साला अतुल है, कैसी पोज लगा रहा है, और ये पीछे गन्ना है। तो गाइस अभी जो पीछे खेत दिख रहा है वो अतुल का है, ठीक है। सिर्फ पीछे ही नहीं, जहां तक नजरें जा रही है ना वो हमारा है, वो सब मेरे साले का है। उसे बोल रहा हूँ दो चार एकर मेरे नाम लगवा दे, लेकिन सुनता ही नहीं। मजाक है गुरुजी, खेत है वो, खेत मजाक कर रहा हूँ भाई, पावर है तो पावर है। इतना नहीं है, बस 5-10 एकड़ है शायद, मुझे भी इतना कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। लोग आके पीटने लगेंगे हमें कि हमारा ही खेत दिखा रहा है ये सब। हमारा खेत दिखाता हूँ अभी, तो इनका खेत देखेंगे और उसमें क्या लगाया है वो भी देखेंगे। तो ये गेहूँ का खेत जो है अतुल का है, और वो ज्वार दिख रही है उधर, ठीक है। तो और ये चना भी है, तो इसी में आग लगाने वाले हैं। हैं देखो दोस्तों चने को, और चना ऐसे निकाला जाता है, ये हमारी भौजा ही है, हमारी वहिनी है ये, और इसी में अभी हम आग लगाएंगे, मतलब थोड़ा निकालेंगे। मेहनत करोगे तो पेड़ भर के खाओगे दोस्तों। गाइस अभी हम ये गेहूं जो है इसको भूनने वाले हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं हिंदी में मुझे पता नहीं है, लेकिन बहुत मस्त लगता है खाने में, ठीक है। अभी मिट्टी निकाल लेते हैं,
और ये भून के देखेंगे कैसा लगता है। यहाँ वीर भी है खेत में, राहुल है, अतुल है, मैं हूँ और ये है उनकी ज्वार। कितनी खूबसूरत लग रही है खेत का एक सर्कल वाला नज़ारा। कैसा लगा, मस्त? तो लाइक ज़रूर कर देना। तो गाइस अभी हम जो है इमली गिराने वाले हैं। ये देख रहे हो इमली का ये बड़ा पेड़ है और देखते हैं एक पत्थर में कितनी गिरती है। बस भैया देखो आप चलो। तो गाइस एक पत्थर में जो है इतनी इमलियां हमने गिराई है इस वाले पेड़ से, देख सकते हो। अभी ये चढ़ा है पेड़ पर इमली निकालने के लिए, देखते हैं कहां तक जाता है ऊपर। सभी पकी हुई है। कितना मस्त लग रहा है गाइस पेड़, एकदम बढ़िया। तो ये इतना बड़ा पेड़ है देख सकते हो, कहाँ पर है ये इमली तोड़ने वाला, देख सकते हो कितने ऊपर गया है वो। खास इमली खाने के लिए ऊपर आए हैं हम, और ऊपर जाने वाला है वो। अभी नहीं जाने के समय हो चुका, अब ये आ रहा है नीचे। देख तो अब कैसे छलांग लगाता है ऊपर से। आ जाओ, बस हो गया, बहुत खट्टी इमलियाँ। टांग पकड़ो भैया की। क्यों? भैया छलांग लगाएगा अभी शक्तिमान की तरह। बहुत ही बढ़िया आम लगे दोस्तों पेड़ पर, देख सकते हो। तो अभी ये चना भूनने की तैयारी चालू है। अभी ये चना और गेहूं भूनने वाले हैं, देख सकते हो। बढ़िया कचरा जमा कर रहे भूनने के लिए। ये है अतुल का भाई, बड़ा वाला साला, कैसे मेहनत कर रहा है, मुस्कुराने का तो नाम ही नहीं लेता कभी। तो तरबूज कैसे भाई? तो अभी मस्त आग लगाएंगे इसको। नीचे कचरा रख दिया है, ठीक है, गन्ने का कचरा है। लगाओ भाई आग। लगाए क्या? लगाओ लगाओ, ध्यान रहे इधर दूसरा जंगल ना जल जाए। आग तो तेज लगने वाली है। वीर साइड में हो जाओ, साइड में हो, तेज आग लग गई। भुनने तो अच्छे से। उछाल मत ऐसे, इधर जल जाएगा सब। तो ये देख सकते हो अभी चना भून चुका है, उसमें गेहूं डालेंगे, दूसरा कचरा है, पहले इनको खा लेंगे। अभी ये मस्त भून चुका है चना, अभी गेहूं को भूनने वाले हैं, ठीक है। देखते हैं कैसा लगता है खाने में। आराम से आराम से। मजा आने वाला है दोस्तों खाने में अब, ठीक है। खाने में तो बहुत मजा आएगा दोस्तों, क्योंकि मेहनत बहुत करी है। मेहनत करिए। अभी ये पूरी तरह से भून के तैयार है, मैं इसको एक अच्छे से ऐसे भूनता है दोस्तों गेहूं, देख सकते हो। आगे का जो ये है ना वो मतलब प्योर गेहूं, वो टूट जाता है आग में और उसको आराम से निकालेंगे। गेहूं को पहले भून लिया एक बार और फिर से एक बार भूनना है, ठीक है, अच्छे से भून जाएंगे फिर। मस्त अभी चना भून चुका है तो खा रहे हैं, अभी एक एक निकाल के खाना पड़ता है दोस्तों। थम थम थम, याद भूजत मैं।
तो गेहूं जो अभी हमने भुने है दोस्तों, वो कुछ इस तरह से निकाल दे, ठीक है? उसको जैसे पीसना होता है हाथों से, उंगलियों से, आराम से आराम से, ठीक है? तो मैंने भी निकाला है कुछ इस तरह से। तो इसके अंदर का कचरा जो है फूंक के निकाल देना है, ठीक है? रुक बाबा रुक। और ये एकदम बढ़िया से जो ऑर्गेनिक, हम इसको अब खा सकते हैं, राइट? बहुत मजा आता है, एक बार खा के तो देखो। कभी आइएगा हमारे इलाके में, पूरा जंगल जला देंगे आप लोगों के लिए। गाइस अभी मस्त खाना बीना हो गया है खेत में, ठीक है? ये देख सकते हो चना कितना बढ़िया लग रहा है। तो आप चलते हैं सीधे घर, ठीक है? देर हो गई खेत में बहुत। ये देखो कैसे टूट पड़े हैं। ये हाथ देखो, हमारे हाथ कैसे हो गए, उसके छोड़ो मेरे देखो। तो अभी चल रहे हैं हम घर, ठीक है? कहीं लिपस्टिक ना हो जाए। चलो चलो। हेलो गाइस, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया है। हम ये आदमी पैदाइश स्टार है, किसी को कोई जब इस दुनिया में आया था ना तभी से स्टार है। तो वो अभी, उनको अभी रियलाइज हुआ है कि वो अभी स्टार बनने वाले हैं, लेकिन मेरे को पहले से पता है। और ये देखो, इस बात पर आपको कुछ बोलना है? ये इसको लेकर, ये देखो ये मच्छर मारने वाले, क्या बोलते हैं इसको, पेड़ को लेकर हमें कुछ नई बातें बोलने को लगा रहे। हाँ हेलो माइक चेक। अगर कोई इस रूम में अगर कोई भी मच्छर हो तो चुपचाप बाहर आ जाए, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि क्योंकि कितने आदमी थे अभी सभी मरने वाले हैं मेरे हाथ में, क्योंकि रात में मुझे बहुत परेशान किया है इन मच्छरों ने। तो गाइस अभी घर आ चुके हैं, मस्त बैठे हैं गपशप करते हुए। तो आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है? व्लॉग लंबा हो जाएगा। अगर व्लॉग पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज़। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, टाटा बाय बाय। मिलते हैं कल के नए ब्लॉग में।